हेलो बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम सेकंड यूनिट इस मैटर अराउंड अस प्योर का एक topic, solution, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सॉल्यूशन इज कंसंट्रेशन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके लिए भी मेरे बच्चों आप हमारे जितने भी सारे ये वीडियो लेक्चर हैं आप उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें ऐसे ही हम आपके लिए और नई वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे अब हम आपका टॉपिक शुरू करते हैं ट इज सोल्यूशन सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सर है किसका मिक्सचर है दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए और अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो उसे क्या कहेंगे आप सोल्यूशन तो वॉट इज द डेफिनेशन ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कॉम्पोनेंट्स यानी कि जो सब्सटेंस हैं आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए तभी सॉल्यूशन होगा फॉर एग्जांपल सुगर प्लस वाटर क्या कहलाएगा लाएगा ये सुगर सोल्यूशन सुगर कंप्लीटली डिजॉल्व इन वाटर नेक्स्ट सॉल्ट एंड वाटर क्या कहलाएगा दैट इज कॉल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन नेक्स्ट वन एल्कोहल प्लस वाटर क्या कहलाएगा एल्कोहलिक सॉल्यूशन एक्वस एल्कोहलिक सॉल्यूशन एक्व एल्कोहलिक सॉल्यूशन एक्वस मीन्स वाटर आप इसको भी कह सकते थे एक्वस सुगर सॉल्यूशन एक्व सॉल्ट सॉल्यूशन एक्वस स्टैंड फॉर वाटर यानी कि हमने उसको वाटर में डिजोल्व किया है अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है टू कंपोनेंट्स। अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स या सब्सटेंस हो सकते हैं ओनली टू कंपोनेंट्स आर दे One is solute and other is solvent. Solute means the substance that present in lesser quantity, lesser quantity means so present hai, kya kehte hai? solute, and excess quantity of substance, excess quantity of substance is known as solvent. You also know that. सोल्यूट इज ऑल्सो नोन एज डिस्पर्ज फेस डिस्पर्ज फेस एंड सॉल्वेंट इज नोन एज डिस्पर्जन मीडियम हमारा मीडियम क्या है ये सॉलवेंट कहते हैं मेरे बच्चों इस बात को बहुत ध्यान से सुनना हाउ वी आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट लेसर क्वांटिटी ऑफ सबस्टेंस सॉल्यूट एंड और मोर क्वानिटी रखना जब भी सॉलिड डिजोल्व किए जाएंगे लिक्विड में कब वॉलिज इन लिक्विड तो सॉलिड क्या होगा मेरे बच्चों सॉल्यूट और लिक्विड क्या होगा सॉल्वेंट, फॉर एग्जाम्पल ये वॉटर है वॉटर में क्या डिजोल्व किया आपने सुगर? या ग्लूकोज डिजोल्व किया? किया तो यहाँ पे जो सॉलिड सब्सटेंस क्या है सोल्यूट है और लिक्विड सब्सटेंस क्या है हमारे सॉल्वेंट है ये बात ध्यान रखना यानी कि डिस्पर्जन मीडियम क्या है लिक्विड है समझ में आ रहा है सॉलिड सॉल्यूट तो होंगे और लिक्विड आपका सॉल्वेंट होगा गैस एंड लिक्विड तो लिक्विड तो आपका हमें। गैस को जब डिजोल्व किया जाएगा लिक्विड में तो है तो लिक्विड तो एक्सिस क्वांटिटी में होगा तब हमारा लिक्विड क्या होगा लिक्विड यहां पे सॉल्वेंट होगा और गैस क्या होगा मेरे बच्चों गैस हमारा होगा सॉल्यूट लेकिन जब लिक्विड लिक्विड में डिजोल्व किए जाएंगे सब आइडेंटिफाई किए जाएंगे द कौन सा सब्सटेंस एक्सिस क्वांटिटी में है और कौन सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में है एक्सिस सब्सटेंसेस आर नोन एज सोल्यूट तो जो सब्सटेंस जो एक्सिस में होगा वो क्या होगा सॉल्वेंट और जो लेस क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा सॉल्यूट तो इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा

एग्जाम्पल पटअप कर रहा हूं आपके साथ ध्यान से देखिएगा ये क्या है हमारा वाटर और वाटर में आपने सपोज क्या ऐड कर दिया एल्कोहल क्या ऐड किया वाटर में आपने एल्कोहल आप कहते हैं वाटर का अमाउंट एक्सेस है ज्यादा क्वांटिटी में लिया है और एल्कोहल आपने लेस क्वांटिटी में लिया है तो एक्सेस क्वांटिटी सॉल्वेंट और लेस क्वांटिटी क्या होगा आपका सॉल्यूट होगा तो यहां पे एल्कोहल क्या है हमारा सॉल्यूट है आगे चल के आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे

क्स सोल्यूशन एंड नॉन एक्व सोल्यूशन एक्वी वॉटर अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है इफ सॉल्वेंट इज वाटर याच टाइप ऑफ सोल्यूशन विच कंटेन वॉटर एज ए सोलवेंट दट इज कॉल्ड एक्वा सोल्यूशन फॉर एग्जाम्पल सुगर एंड वाटर सोल्ट एंड वॉटर एल्कोला वॉटर क्या है यहाँ पे आपका सोलवेंट है और वॉटर को यह आप एक्व भी कहते हैं

कार्बन सॉरी कार्बन नहीं होना चाहिए यह सल्फर होना चाहिए सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड ये भी क्या है हमारा नॉन एक्वस सॉल्यूशन है सल्फर प्लस कार्बन डाइसल्फाइड नेक्स्ट हम सॉल्यूशन को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यहां हमने कहा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ किसके अकॉर्डिंग नेचर किसका नेचर ऑफ Solute and solvent classified two categories aqueous and non aqueous according to amount of according to amount of solute and solvent solution further classified into two categories and these two categories are saturated solution and unsaturated solution. अनसे मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड और एक किस स्टेप ऐसा आएगा अनसे तो वो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस डिजोल्व होना बंद हो जाएगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसे क्या कहेंगे आप सैचुरेटेड नो मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट कैन बी डिजोल्व एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सेचुरेटेड सोल्यूशन अब मेरे साथ इसको बहुत अच्छे से समझिएगा ये सपोज आपने लिया हंड्रेड ग्राम वाटर क्या है मेरे बच्चों ये हंड्रेड ग्राम वाटर और आपने टेम्परेचर मेंटेन किया कि हमारा टेम्परेचर है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस यू डिजोल्व सोडियम क्लोराइड एन ए सी एल आपके पास नमक तो घर में होगा कॉमन सोल्ट एन ए सी एल है

इसको मैं और 10 ग्राम ऐड किया तो टोटल कितना हो गया अब ये 20 ग्राम ऐड 20 ग्राम हो गया फिर आपने और 10 ग्राम ऐड किया अब कितना हो गया ये 30 ग्राम हो गया यानी तो कि 30 ग्राम 30 ग्राम कॉमन सॉल्ट या सोडियम क्लोराइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस डिसॉल्व हो रहा है अभी और क्या डिसॉल्व हो सकता है ऐड करते 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 हमने चेक किया कि इसमें और मैक्सिमम अमाउंट ग्राम और डिजोल्व हो सकता है आफ्टर द एडिशन ऑफ सिक्स ग्राम उसमें फिर एक भी क्रिस्टल सॉल्ट का डिजोल्व नहीं होगा तो मैक्सिमम अमाउंट टोटल अमाउंट कितना है थर्टी सिक्स ग्राम एड होने के बाद आपने चेक किया फिर इसमें एक ग्राम भी सॉल्ट डिजोल्व नहीं हो रहा वो अनडिजोल्व रह जाता है तो मैक्सिमम क्वांटिटी कितना है थर्टी सिक्स ग्राम कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम सॉल्यूशन। तो ये क्या है मेरे बच्चों सॉल्यूशन है एट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से या डिक्रीज करने से उसमें अमाउंट कम और ज्यादा हो सकता है वो बाद में डिस्कस करेंगे तो एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनिशियल कितना डिजॉल्व हुआ थर्टी सिक्स ग्राम और ये हर सब्सटेंस के लिए वैल्यू अलग होगी शुगर के लिए अलग वैल्यू होगा पोटेशियम क्लोराइड के लिए अलग वैल्यू होगा यानी कि जो सॉलि हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी, यानी कि हर सब्सटेंस का सोल्यूबिलिटी अलग होगा सेम नहीं होगा उसे क्या कहेंगे आप सोल्यूबिलिटी? उसको भी मैं आपके साथ डिफाइन करता हूँ आप समझ में आया होगा आपको आया है नहीं आया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड डिजोल्व इन हंड्रेड ग्राम सोल्यूशन कितना है वो थर्टी सिक्स ग्राम है इसे आप सोल्यूबिलिटी भी कह सकते हैं तो अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए कैन यू डिफाइन द सोल्यूबिलिटी कैन यू डिफाइन द सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी क्या है पहले तो आप ये कहेंगे कि जो मैक्सिमम अमाउंट डिजोल्व हुआ है वही हमारा है तो मैक्सिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मैक्सिम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट विल भी डिजॉल्व डिजॉल्व इन ए गिवन या गिवन अमाउंट ऑफ सॉलवेंट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और एक वर्ड याद रखना एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा और हर सब्सटेंस का सॉलिबिलिटी अलग होगा यानी कि डिफरेंट सब्सटेंट सॉलिबिलिटी फॉर एग्जांपल द सोलिबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस थर्टी सिक्स ग्राम या थर्टी परसेंट भी कह सकते हैं आप इसे नोट कीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन ए सैचुरेटेड सोल्यूशन और सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है मैक्मम अमाउंट ऑफ सॉल्यूड और वही हमारा सॉलिबिलिटी भी होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फर्स्ट हम डिस्कस किया सॉलिड इन लिक्विड अगर सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व किया जाएगा या गैसेज को लिक्विड्स में डिजोल्व किया जाएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा फर्स्ट टेम्परेचर अगर हम ये बात कहते हैं सॉलिबिलिटी इनक्रीजेज सोल्यूबिलिटी इंक्रीजेस ये जो मेरा साइन है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज बढ़ाने से इन टेम्परेचर एंड्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इट बिकम्स अनसेड यानी कि सोल्यूबिलिटी इनक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ और डिक्रीज होगा टेम्परेचर कम करने के साथ एंड इट बिकम्स ये क्या बन जाएगा एंड इट बिकम्स यानी कि ये जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है क्या बन जाएगा अनसेचुरेटेड सोल्यूशन इट विल बिकम्स अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन और सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रपोर्सनल टू टेम्परेचर इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटी इंक्रीजेस इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर सॉलिबिलिटीज इन टर्म्स ऑफ प्रेशर कोट बी कंप्रेस्ड उनको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है एग्जाम्पल ले सकते थे आप सॉल्ट एंड वाटर एन ई सी एल को डिजोल्व किया जाए वॉटर में और ये क्या कहलाएगा एक्वा सोल्यूशन क्यों कि सोल्वेंट वॉटर है नेक्स्ट गैसेज इन लिक्विड टेम्परेचर इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना ये जस्ट रिवर्ट हो जाता है कि सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये आप जानते होंगे सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स जितना ज्यादा आप ठंडा करते हैं जितना ज्यादा आप चिल करते हैं उतना ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिजोल्व हो जाता है याद है ना जब भी आप कोई भी पेप्सी सिलिम काथम सब ड्रिंक पीते हैं आप तो आप देखा होगा जितना चिल करेंगे चिल क्यों किया जिससे ज्यादा से ज्यादा सीओ टू डिजोल्व हो जाए उस लिक्विड में तो याद रखना सोलिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सोलिबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना सॉलिबिलिटी ज्यादा होगा गैस का लिक्विड में नेक्स्ट प्रेशर ये तो जानते हैं गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड फिर क्या कहेंगे सोलिबिलिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा या उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिजोल्व हो जाएगा अब एक एग्जाम्पल देखें मेरे साथ सपोज मैं बात करता हूँ आपके साथ सोल्यूबिलिटी ऑफ एन ए सी एल कॉमन सॉल्ट है ओके मैंने आ, आ, हंड्रेड ग्राम वाटर में डिजोल्व किया कॉमन सॉल्ट को यानी कि एन ए सी एल डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम ऑफ वॉटर डिजोल्व किया अब मैंने स्टडी किया डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे मैंने देखा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है फिर मैंने चेक किया 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या है फिर मैंने चेक किया 60 पे क्या है और फिर मैंने चेक किया 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या है किसकी सोलिबिलिटी एन ए सी एल का फिर रिजल्ट में पाया गया कि एट ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस द मैक्म अमाउंट ऑफ कॉमन सोल्ट एन डिजॉल एंड थर्टी सेवन ग्राम ये क्या है सोल्यूबिलिटी कॉमन सोल्ट मैक्म थर्टी सिक्स ग्राम डिजोल्व अपू फोर्टी डिग्री सेल्सियस थर्टी सिक्स ग्राम एंड अप टू ग्राम डिजोल्व हो जाता है मैक्सिमम तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से फोर्टी करने पर सॉल्युबिलिटी सपोज आपने NaCl के बजाय पोटेशियम क्लोराइड ले लिया सेम लिया 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहा पोटेशियम क्लोराइड तो पोटेशियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसॉल्व होगा 35 ग्राम फोर्टी पे कितना होगा फोर्टी ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा यहाँ फोर्टी सिक्स ग्राम और ये फिफ्टी फोर ग्राम डिजॉल्व हो जाएगा तो ये डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगा इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्वेंट कि हमारा सोल्यूट सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है उसे क्या कहते हैं हम कॉन्सेंट्रेशन अगर स्मॉल्व इन वाटर डिजोल्व इन वाटर बट हेयर दुगर इज लार्ज बट हेयर इज लेस अमाउंट ऑफर स्मॉल इफ स्म डिजॉल्व इन हंड्रेड ग्राम वाटर इन बोथ दॉटर टेन ग्राम शुगर जनरली फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पे टेन ग्राम शुगर डिजोल्व किया है

और ये क्या कहलाएगा मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट कंसंट्रेटेड इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन मेरे बच्चों सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बनाए किससे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से ये बात ध्यान रखना मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉलवेंट बट इन केस ऑफ वॉल्यूम तो क्या कहेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलवेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो मोस्ट कॉमन मैथड है वो परसेंटेज मैथड है अदर मैथड्स लाइक एस मोलेलिटी और मोलेलिटी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आगे इलेवेंथ में पढ़ने को मिलेगा अब ये हमारा कॉमन मैथड है परसेंटेज मैथड और जो परसेंटेज मेथड है मेरे बच्चों ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है और टेम्परेचर इनडिपेंडेंट भी हो सकता है टेम्परेचर पर डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है. अगर आपका वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम वाले टर्म्स क्या, क्या होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे क्या होंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट जहां भी वॉल्यूम आएगा वॉल्यूम आ रहा है तो जो मास बाय वॉल्यूम जो फॉर्मूला है हमारा वो कैसा है टेम्परेचर डिपेंडेंट है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये भी क्या होगा ये भी क्या होगा ये भी मेरे बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा क्यों वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है आप देखिए वॉटर लीजिए वाटर को और फ्रीजर में डाल दीजिए वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है उसका और वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो फॉर्मूले में जो हम वैल्यू फाइंड कैलकुलेट करेंगे वो भी चेंज हो जाएगा तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर नेक्स्ट मास परसेंटेज इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मास चेंज नहीं होता सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा मास रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो फॉर्मूले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है मास बाई मास परसेंटेज या मास बाई मास परसेंट ऑफ सोल्यूशन मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड और अभी मेरे बच्चों मैंने कहा था आपसे मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट और मास का मास के साथ रेशियो है तो दैट्स वाई मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन हैव नो यूनिट इनका कोई यूनिट भी नहीं होगा नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं आप साथ W बाई वी इसका फॉर्मूला क्या होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा आपको हंड्रेड से मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड टेम्परेचर डिपेंडेंट है लेकिन इसका यूनिट होगा क्योंकि रेशो मास का वॉल्यूम के साथ रेशियो है या तो आप वॉल्यूम कह सकते हैं ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर लीटर यूनिट हो सकता है एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड इट्स यूनिट। है वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रेशियो है एम एल एम एल से कैंसिल हो जाएगा

ऑफ सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड ये बात मेरे बच्चों हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा अभी मैंने पढ़ाया था मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे बच्चों ट्वेंटी ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ग्राम ग्राम कितना आएगा सॉल्व तो व्हाट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट कितना है ट्वेंटी ग्राम डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड ये बात आप देख रहे हैं ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड फोर फाइव ट्वेंटी आंसर क्या आएगा फाइव परसेंट कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये मास बाई मास का रेशियो है क्लियर है मेरे बात मेरे बच्चों कोई यूनिट नहीं होगा इसका ये कैंसिल हो जाएगा नेक्स्ट देखो हंड्रेड टेन ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन फाइव हंड्रेड फिफ्टी ग्राम ऑफ सोल्यूशन ये डायरेक्ट आपको सोल्यूशन का मास ये रखा है एड नहीं करना आप तो आप यहाँ पे फर्जर निकालेंगे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन फॉर्मूला क्या है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे बच्चों हंड्रेड टेन ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट ही है क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है आप हंड्रेड टेन ग्राम में फाइव फिफ्टी एड करें एड नहीं करना ये प्रेजेंट इन यानी कि हंड्रेड टेन ग्राम फाइव हंड्रेड फिफ्टी ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन के बने क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाइड बाई 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा 11, 5, जा कितना होगा 55 100 बाई 5 मिलेगा क्या आंसर मिलेगा आपको 20 आंसर मिलेगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन अभी हमने बहुत एक्सप्लेन किया है आपके सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स नेक्स्ट

ईजिली पास थ्रू फिल्टर पेपर फिल्टर पेपर से सोल्यूट पार्टिकल भी पास हो जाएंगे सोलवेंट के साथ साथ तो दैट्स वाई दे कैन नॉट बी सेपरेट विद दी हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर सोल्यूशन को आप जो सॉल्यूट एंड सोलवेंट उसके मीडियम है दो सॉल्यूट एंड सोलवेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फिल्टर पेपर दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर की हेल्प से नेक्स्ट सोल्यूट पार्टिकल डो नॉट सेटल डाउन वो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते हैं वे परफेक्ट ट्रू सोलूशन बनाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्केटर लाइट हैंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट स्केटर मींस, स्केटर मींस रीडायरेक्टेड ऑफ लाइट या रीडायरेक्शन ऑफ लाइट यानी लाइट का हर दिशा में फैल जाना चारों तरफ फैल जाना उसे क्या कहते हैं स्केटर चारों तरफ फैल जाना लाइट का उसे कहते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट ट्रू सोलूशन डज नॉट स्कैटर लाइट हैंज नॉट सो टेंडल इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई करूशन हमें सोल्यूशन में लाइट का बीम नहीं दिखाई देगा या बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा फिर सवाल आता है सर टेंडल इफेक्ट क्या है द स्केटरिंग ऑफ लाइट बाई पार्टिकल्स और साइज ऑफ पार्टिकल लाई करना चाहिए नैनोमीटर 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 टू 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 और यू नो दैट इक्वल द पावर माइनस नाइन मीटर इस साइज के पार्टिकल्स क्या शो करेंगे टिंडल इफेक्ट शो कर जाएंगे अब ये होता क्या है क्या डल इफेक्ट डिस्कस करते हैं अभी सपोज आपने ये टॉर्च लिया और ये क्या है आपका ट्रू सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर कोई भी आपने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया और ट्रू सॉल्यूशन क्या है होमोजीनियस मिक्सचर है आपने टॉर्च को डाला इसके टॉर्च लाइट को जाना इसमें ये ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास है या ट्रांसपेरेंट बीकर है ग्लास का ट्रांसपेरेंट बीकर आप इस बात को देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट यू सी हेयर द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन साइड द ट्रू सॉल्यूशन बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल inside the true solution reason light scatter nahi because the light is not scattered by the particles because the size of particles is less than 1 nanometer abhi maine kaha tha, in case of true solution the size of solute particles is less than

थाउजेंड नैनोमीटर के बीच में फॉर एग्जाम्पल हमने क्या लिया सॉल्यूशन अब देखिएगा टॉर्च लाइट को डाला अब लाइट ये जो पार्टिकल्स इन पर लाइट क्या होगा रीडायरेक्ट हो रहा है तो लाइट ली डायरेक्ट होगा यानी कि हर डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगा फैल जाएगा तब तो आपको क्या दिखेगा यार एक विजिबल बीम दिखाई देगा अब विजिबल बीम ऑफ लाइट आप देखिए लाइट पार्टिकल्स यहाँ आया लाइट इस पार्टिकल पर टकराएगा वो क्या करेगा रीडायरेक्ट हो जाएगा कहा हो जाएगा रीडायरेक्ट इन ऑल डायरेक्शन हर दिशा में फैल जाएगा तो यहां पर क्या होगा अब बीम ऑफ विजिबल लाइट ये बात नोट करना है ध्यान से अब बीम ऑफ लाइट विजिबल इन साइड सॉल्यूशन सोल्यूशन इन साइड Solution. तो आपको ये पॉइंट भी याद होगा अभी मुझे डिस्कस करना है आपके साथ अभी डिस्कस नहीं किया है मैंने लेकिन इतना तो याद कर ही सकते हैं आप कि जिनका साइज ऑफ पार्टिकल वन टू नैनोमीटर के बीच में होगा वो ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते ही होंगे ट्रू कौन से होंगे जिनका साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन वन नैनोमीटर है लाइट वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते so और एक एग्जाम्पल भी देखिएगा आप कहते हैं ना वाई स्काई एपियर ब्लू स्काई ब्लू क्यों दिखता है आप वन वर्ड में आंसर कह सकते हैं ड्यू टू तो स्कैटरिंग तो ऑफ लाइट या आप वन वर्ड एक और भी कह सकते हैं ड्यू टू टिंडल इफेक्ट आपका आंसर क्या होगा ड्यू टू तो टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमोसफियर दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट ये बात क्लियर है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोट है यहां से क्वेश्चन आने की प्राइवरिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में नोट कीजिए